हाय गाइस, आज वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज आज मैं बेबू के साथ कुछ करने वाली हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हेलो, हाउ आर यू? जरा कमेंट सेक्शन में बताओ ये बैकग्राउंड कैसा लगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सी चेंजेस करनी थी, बड़ा कुछ करना था इसमें, पर लॉकडाउन इस तरीके से लगा ना, साली डिलीवरी हो रही है, ना बाजार खुल रहा है, ना सामान आ रहा है, जो यहाँ पे लगाना था कुछ नहीं लगाया। हाथ टूट के बाद में हाथों को फाड़ के टेटा करके लगा दिया। इसमें लाइट भी जगती है, रुको है ना मजेदार, पर थोड़ा सा चीनी काम लगता ना, ये जब अच्छे से सेट हो जाएगा ना उसके बाद लाइटें जगा के अपन वीडियो शूट करेंगे। आज इसके बिना ही कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेरे फेवरेट फिटनेस यूट्यूबर के बारे में, जो मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आए हैं। इनका नाम है रोहित खत्री। अच्छा, रोहित भैया फिटनेस ट्रेनर भी है, टीचर भी है, एक व्लॉगर भी है, साथ में साथ एक अच्छे बॉयफ्रेंड भी है, और उसके साथ साथ सेक्स स्पेशलिस्ट भी है। समझ पा रहे हो, बल्क क्वांटिटी में खूबियां एक ही बंदे में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वाज Just going through YouTube and वहाँ पे मेरे को रोहित सोनिया व्लॉग, सोनिया जो कि रोहित खत्री जी की गर्लफ्रेंड है, इनका व्लॉग चैनल मेरे को दिखा और उसमें से एक वीडियो मेरे को दिखी। बस यहीं से मेरा दिमाग चला कि मैंने वीडियो तो बनानी। साला इसकी भी गर्लफ्रेंड है, बोलो तड़प ही ऐसी है ना, बस ऐसे चक्कर दे विच वीडियो बनेगी। मैं कहता हूँ इतना बढ़िया बंदा मैंने जिंदगी में नहीं आज तक देखा। इसकी पहली वीडियो जो सबसे मैंने रिसर्च करते टाइम देखी ना, वो ये थी कि लड़कियों को कौन सा बॉडी पार्ट पसंद आता है। हम जैसा सोचते हैं उससे बिल्कुल अलग लड़कियां सोचती है। तो आज मैं बू से पूछूंगा कि कौन से ऐसे वो तीन बॉडी पार्ट है जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है। और जो भी बॉडी पार्ट, जैसे फॉर एग्जांपल बू बताएगी कि सबसे अट्रैक्टिव बाइसेप्स है, ठीक है, तो मैं बाइसेप्स की एक ऐसी एक्सरसाइज बताता हूँ आप लोगों को जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो भाई बू को ना मस्सी असाला नक जी बढ़ जा। क्रिसमस की फोटो खिंचवानी है तो बू की ड्रेस देखो तुम कैसी। हाँ ये कर लो पहले, मतलब टाइटल में भी लिखा है और वीडियो में आके ये बंदा बता रहा है कि यार वो तीन बॉडी पार्ट बताएगी, उसके ऊपर मैं एक्सरसाइज बताऊंगा जो तुम कर सको, ठीक है, तो उसको यही वीडियो बनानी चाहिए। ये साला पप्पियां जप्पियां बीच में करनी जरूरी है? और हमें क्या लेना देना तेरी गर्लफ्रेंड ने क्रिसमस पे क्या पहना है? क्रिसमस पे इतनी लड़कियां लाल रंग पहनती है, हर दूसरी लड़की सिलेंडर लगती है, और साला ये कौन सा तरीका हुआ ड्रेस दिखाने का है? तुमसे ना हो पाएगा। तुम समझ ही गए मैं क्या कहना चाह रहा था। सारी चीजें छोड़ दो, पहले जब ये पपिया पालो। okay. तो वो सबसे सेक्सी पार्ट है बॉडी में, पहला तो पहला जो सबसे सेक्सी बॉडी पार्ट सोनिया जी को लगता है वो है एब्स, मतलब तुम्हारे पेट में वो जो बिस्किट से बने होते हैं वो। और रोहित भैया ने इसके बाद हमें उसकी एक्सरसाइज करके दिखाई कि कैसे आप वो एब्स पा सकते हो। रोहित चाचू सारी उम्र एक्सरसाइज कीती है, अब इसका रिजल्ट भी दिखाता हूँ। रोहित खत्री भैया ने अपने चैनल पर वीडियो डाली टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, जबकि इनके चैनल से वो चीज रिलेट भी नहीं करती है, फिटनेस चैनल है, फिटनेस तो करो, लेकिन नहीं, व्यूज के चक्कर में टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब भैया ने बनाई और अपने चैनल पर पोस्ट करी। आओ जरा वीडियो देखें। सब ठीक ठाक होंगे तो भाई आज टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब बनने वाला है। काकू बेटे ये भी बता देगा यार रियलिटी, ये इसको पता टिकटॉक और तुम यूट्यूब को कंपैरिजन कर रहे हो ना। ये टिकटॉक का नाम सुन के भाग रहा है, जो लोग बोलते हैं ना टिकटॉक, साले वो टिकटॉक की वजह से बाहर नहीं जा रहा, उसको पता लग गया कि तू उसका मालिक है, इसलिए वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। पहली बात तो टिकटॉक और यूट्यूब को कंपेयरिंग करने वाले ना सबसे बड़े चूतिया लोग है, ठीक है। तुम बहन चोद 15 सेकंड की चीज को इस दुनिया की सबसे बढ़िया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कैसे कंपेयर कर सकते हो, मेरे को ये बता दो। तो भैया का कहना ये है कि तुम 15 सेकंड में कुछ नहीं सीख सकते। मीनवाइल भैया पता क्या है, जब व्यूज और लाइक्स के चक्कर में बंदा पागल हो जाता है ना, उस टाइम उसको ये नहीं समझ लगता उसने पहले क्या बात की और बाद में वो क्या हरकत कर रहा है, ठीक है। हर किसी को फॉलोअर चाहिए, हर किसी को व्यूज चाहिए, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, अगर हिपोक्रेसी का लेवल इतना ज्यादा इट्स ओके, कोई फर्क नहीं है। 15 सेकंड में तुम्हें घंटा सीखने को मिलेगा, ठीक है। वो हां ओयो में यहां कभी बताऊं देखो तुम, ठीक है, वो 15 सेकंड में है ना तुम्हारी जैसी बकचोदी नहीं मारते। बकचोदी की बात देखो कौन कर रहा है,
बकचोदी की बात देखो कौन जा भाई कैसा तेरा इंची टेप जैसा मुंह है बकचोदी मारे बकचोदी तेरी 500 वीडियोस है ना यूट्यूब पे उसमें से 450 तेरी हस्त में थून पे भेज रहे हैं। ये बंदा पता क्या कहता है, कभी बोलता है करना अच्छा है, कभी बोलता है करना नहीं अच्छा है, कभी बोलता है इतनी बार करो, कभी बोलता है इतनी बार मत करो। चल एक तीर कमान में गोली डाल के मार देनी। और सही बोला है कि अगर पुराना कंटेंट भी हम डालते हैं ना, मैं खुद टिकटॉक पे हूँ, 15 सेकंड की वीडियो आती है, मैं कुछ पुरानी पुरानी स्टोरी भी अगर डालता हूँ ना, अबे घोंचू टिकटॉक पर 1 मिनट तक वीडियो बनती थी। पहली बात तो यार मेरे हाथ में है ना दर्द हो रहा है, साथ में पकड़ लेता हूँ यार ये तेरे पे डिपेंड है, चाहे दोनों हाथों से पकड़। देख रहा भाई आगे स्वाद। पहले मैं ना यूट्यूब ऐप है ना वो फिक्स आता है, ये तुमको एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि जहाँ पर तुम अपना कुछ सीख सको, कुछ अपना क्रिएट कर सको, कंटेंट बना सको। ओ भाई कभी ओप्पो वीवो से ऊपर भी तो जा, अपने ब्लॉग्स में तो ये दिखाता बड़ा आईफोन 11 प्रो मैक्स तोड़ दिया, उसको आईफोन 11 प्रो लेके दिया। यूट्यूब और टिकटॉक दोनों एंड्रॉइड में प्री इंस्टॉल्ड आते थे, आईफोन में दोनों नहीं आते। और मेन बात ये टिकटॉकरों वाली हरकतें भी कर रहे हैं। पूरी तो एक दम लगा दिया भागने में। नीचे सबसे पहला कमेंट था चूतरे पे इंजेक्शन लगा के अपने चैनल से रिलेटेबल कोई चीज डाले, इट्स फाइन, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, तुम्हारा चैनल जाएगा। लेकिन उससे अगर चीज रिलेट ही नहीं करती है तो मतलब फिटनेस से और मुंह गोरा करने से क्या मतलब। तो रोहित बारबी जी आपका रंग भी गोरा कर सकते हैं, रोहित बारबी जी आपके बालों की ग्रोथ भी बढ़ा सकते हैं, रोहित बारबी जी आपके टेस्ट रॉकेट उसको भी शेप में ला सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने पीछे बात की थी कि 500 में से 450 वीडियोस की हस्त में थून पे बेस्ड है, वो मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा था, जरा इसका चैनल जाके तुम सारा स्क्रॉल करके देख लो तुम्हें पता लग जाएगा। How to stop masturbation addiction? 5 habits you should stop now. 30 days गलत काम बंद। I stop masturbation for 30 days. ऑलमोस्ट जितनी भी इसकी ऐसी रिलेटेड वीडियोस है ना, ये मास्टरबेशन के रिलेटेड और टेस्टोस्टेरोन के रिलेटेड, उसमें सब में जो थंबनेल में फोटो है वो एक ही तरह की है। साला इतना नंगा मैंने अपने आप को 28 साल की उम्र में नहीं देखा जितना इसको मैंने रिसर्च करते टाइम इसके इंस्टाग्राम पर देख लिया। यार तुम्हें पता क्या, जिसने ब्लॉग चैनल खोला है ना उसका ब्लॉग चैनल तब तक मतलब पूरा नहीं होता जब तक वो जोलो चिप चैलेंज ना कर ले। टट्टी से टट्टी ब्लॉगर या बड़े से बड़ा ब्लॉगर जोलो चिप चैलेंज तो करता ही करता है। तो ये भाई साहब हमारे रोहित बारबी जी ने भी किया, इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड पर प्रैंक किया जोलो चिप वाला। तो जब मैंने इनका ब्लॉग चैनल खोला उसमें मेरे को ये जो जोलो चिप प्रैंक वाली वीडियो मिली 24.5 मिनट की वीडियो, जिसमें से 16 मिनट तक ये बंदा खुद ही डोरिटोस खाता रहा है। What? और 16 मिनट कंप्लीट होने के बाद इसने अपनी गर्लफ्रेंड को जोलो चिप खिलाया और वो आगे से मार आनी उसको 18 मिनट तक पता ही नहीं लगा कि मैंने क्या खाया। उसके बाद जाके कहीं लगा ओह ये तो मिर्च वाला पानी। आराम से मैंने कुछ नहीं खाया। मेरे साथ अन्याय हुआ है। इन्ने का ज्यादा वाहियत प्रैंक, इन्ने का ज्यादा एक और भाई साहब इनकी गर्लफ्रेंड ने बनाया I want a baby prank। ये रहा इतना बड़ा, यार मेरा दिमाग खराब हो गया यार, समझे बेबी जब से ये भी देख रहे हो। अरे यार मैं इतने बातें ये सब बोलोगे यार। रोहित बारबी जी आप अपनी गर्लफ्रेंड को इतना ज्यादा प्यार करते हो, उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में हो और पब्लिकली आपने इतना सारा बताया भी हुआ, अगर उन्होंने बेबी मांग भी लिया तो क्या इतनी दिक्कत है। 2 मिनट साइलेंस फॉर दोस पीपल जिनको ये अभी भी लग रहा है कि ये सब स्क्रिप्टेड नहीं है। और एक मेरी बात सुन लो आगे से, ये अपने ब्लॉग में ना ये गुथम गुथा मत हुआ करो, तुम्हारा कुछ जाता नहीं इधर सिंगल लोग हुई होती दिल से हुई क्या है। हटो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो, लाल बटन के साथ प्रोटीन शेक पी लो पर सब्सक्राइब कर दो, इस महीने में 5 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करने ही करने हैं।